राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। सो गाइस, आज फ्राइडे है और अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, क्योंकि मैं अब रात के 2 बजे तक सो रही हूं। कभी कभी 2:30, मतलब इसी टाइम में कभी सो रही हूं। तो अभी मैं सुबह 8 बजे आज मैं उठी हूं एंड देन अभी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज बेसिकली मुझे करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है, उसके मैगजीन के पीछे जो ऑप्शंस एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद मेरे खुद के जो सेल्फ नोट्स हैं करंट अफेयर के वो रिवाइज करने हैं। और आज मेरा एक बिहार स्पेशल का क्लास भी है, वो अटेंड करना है एंड देन मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो ये बेसिकली आज का मेरा टारगेट है पूरे दिन का। और इसे करने में मुझे कितना टाइम लगता है, और आज पूरे दिन मैं ऐसे ही व्लॉग करने वाली हूँ और टाइम के साथ, ताकि आपको भी समझ आए कि एग्जैक्टली मेरा दिन कैसे बीत रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो आप प्लीज कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड आई होप ये वीडियो आपको भी मोटिवेट कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने कुछ ऐसे टारगेट्स रखें और 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, और अपना जो आपका जो रूटीन रहे वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो यहाँ पे ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैंने जो है अपना योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज वाला सेशन किया। तो ये योगा मैं लास्ट में कर रही थी, इससे पहले मैंने फुल बॉडी एक्सरसाइज की थी और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैं पूरा पसीना पसीना थी। बट योगा मेरा फेवरेट है तो मैं उसे स्किप नहीं करती। लास्ट में मैंने थोड़ा सा योगा एंड स्ट्रेचिंग किया और मेडिटेशन किया, और ये फुल बॉडी एक्सरसाइज के बाद का पसीना है, तो आज बोल सकते हैं कि ये मेहनत का पसीना है। और आज नाश्ते में पोहा थी और एक कटा हुआ एप्पल खाया मैंने। और ये नाश्ता करने के बाद मैंने पहले सेशन की पढ़ाई अपने करंट अफेयर की। क्या है कि लाइब्रेरी में आप ऐसे जोर से नहीं बोल सकते ना, और मुझे रीडिंग करके पढ़ने की बहुत एक हैबिट सी बन गई है। तो जब तक मैं रीड करके बोल बोल के ना पढ़ूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अभी बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं लाइब्रेरी में ऐसे मन ही मन पढ़ूँ, बट कहीं ना कहीं वो फिर एक चीज़ रह जाती है मन में। और पहले मैं इसे लाइब्रेरी से आने के बाद भी 10-11 बजे जो भी रात में मैं एक बार बोल बोल के पढ़ के ही सोती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब जाकर मुझे याद हुआ है। तो एक बार लाइब्रेरी से आने के बाद भी दोबारा ये रीडिंग सेशन हो जाता है। बट अभी मैं करंट अफेयर, मार्च का करंट अफेयर यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ और याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी घर पे आराम से बोल के अपने जोन में याद कर सकते हैं, तो अभी बस वही कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। तो यहाँ पे मार्च और थोड़ा अप्रैल का करंट अफेयर रिवाइज करने के बाद मैं चली गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही थी सोयाबीन की सब्जी, और सोयाबीन बहुत ही रिच प्रोटीन फाइबर वाला खाना है। और आजकल थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश है, और बाहर का भी कुछ भी नहीं खा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी कंट्रोल करनी पड़ेगी। पूरे दिन ना आपको छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपने दिन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्टिव करने के लिए, और ये चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आई मीन जब भी आप शाम को हार के या फ्रस्ट्रेट हो के या फिर कुछ मन करे और आप कुछ खा लो, तो फिर उससे बहुत सारा बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत आलस भी आता है। तो इस समय मैंने खाना खाया एंड देन मैं रेडी होके चली गई थी लाइब्रेरी। और अगर लाइब्रेरी के फर्स्ट सेशन की बात करें तो पहले मैंने अपना जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट किया था, इसकी एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी मैं कांग्रेस तक नहीं पहुँची हूँ इसमें एमसीक्यूज में, मैं अभी सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाला जो चैप्टर है वो किया, उसमें लगभग 200 MCQs थे। हाँ, लगभग 200 MCQs थे, तो वो सब मैंने सॉल्व किया। और 200 MCQs सॉल्व करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि मैं प्रॉपर पढ़ के और फिर जो मुझे पता है उसके आंसर्स, तो ठीक है वो क्वेश्चन मैं स्किप कर देती हूँ, बाकी जो मुझे नहीं पता है मैं उसके, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड दैट इज़ वैलिड, और उसे वो टाइम मैं इन्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। तो लेकिन अभी क्या है कि एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा है, तो थोड़ा ऐसा भी लगता है कि अरे यार ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, आई मीन पूरा दिन ख़त्म हो गया और मैंने सिर्फ
दो या तीन सब्जेक्ट ही पढ़े, तो ये कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है, बट ऑल्दो वो चीज़ अगर कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो फीलिंग सही रहती है। तो यहाँ पे मैं अपने हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ करने के बाद थोड़ा मैंने बीच में ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का, और उसके बाद मेरे बिहार स्पेशल के क्लास चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे बिहार स्पेशल के क्लास स्टार्ट हुए हैं, तो बिहार स्पेशल का क्लास मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन लोग का भी तो कुछ रूटीन होगा ना, देन ये लोग मुझे कंप्लीट करवा देंगे उतने टाइम तक। और एक लेक्चर करने के बाद, बुक पढ़ने के बाद मुझे वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर लगता है। हाँ, सर पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो वो जाने के बाद भी एक थोड़ा सही लगता है। बट सारे सब्जेक्ट के अभी नहीं कर सकती हूँ, टाइम ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बिहार स्पेशल का तो मैं कर रही हूँ और एक मैथ्स का कर लूँगी, क्योंकि मैथ्स वही है कि मैथ्स फिर मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरे प्रैक्टिस भी बहुत साल से छूटे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बिहार स्पेशल का मौर्या काल तक अभी सर पहुँचे हैं, मौर्या तक मैंने किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड सेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी स्पीडी मैगजीन के पीछे। मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। लगभग इसमें 800 समथिंग 800 लगभग एमसीक्यूज हैं इसमें, जिसमें मैंने आज 150 तक किया था एंड अभी स्टार्ट ही किया है। और हाँ, इसमें टाइम तो लग रहा है, बट अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर एमसीक्यू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे जो करंट अफेयर हैं जो मैंने नहीं, मुझे मार्च से लेकर अभी तक में वो करंट अफेयर नहीं मिले थे जो पिछले साल के हैं, अगस्त 2022 से लेकर और जून 2023 तक के एमसीक्यूज, और जुलाई के भी मेरे पास तो लिखे हुए हैं ही, तो मैं उससे कर लूँगी। तो ये मैगजीन जून तक के करंट अफेयर को कवर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने पीछे से इसलिए स्टार्ट किया ताकि मुझे चीज़ें याद रहे, और ये जब मैगजीन ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मुझे पीछे से स्टार्ट करने के मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ चीज़ों के साथ, मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो इसके साथ ही फिर मैंने अपने लाइब्रेरी का सेशन 6 घंटे का कंप्लीट कर लिया था और अब मैं घर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेरी लाइब्रेरी का टाइमिंग 6 घंटे का ही होता है, कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा रुक जाती हूँ, बट क्या होता है ना कि सीट फिर आपके वो वैसे रहते हैं, सीट किसी और के को अलॉटेड रहते हैं, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि अब घर जाके थोड़ा बोल के याद करके पढ़ूंगी। तो घर आने के बाद मैंने खाना खाया था, थोड़ा ब्रेक लिया था, और उसके बाद मैंने जो है बिहार स्पेशल की ही ये जो मैंने आज क्लास की थी उसके उसी चैप्टर तक मैं बुक रीडिंग कर रही थी। इम्तियाज़ अहमद की ये बुक है बिहार स्पेशल की, जो मेरे पास KBC नैनो की वन लाइनर बुक थी, वो मैंने अपने फ्रेंड को दी हुई है। एक्चुअली उसे वो बुक पढ़ना था तो मैंने कुछ दिनों के लिए उसे दे दिए, तो मैं इम्तियाज़ अहमद से वो चैप्टर पढ़ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद मैं सीधा सो जाऊंगी क्योंकि बहुत नींद आ रही है, और मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। राधे कृष्ण।